अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन एंड बेनवेनुती इन इटालियन ढाबा। आज हमारे ढाबे में बनने जा रहे हैं बच्चों के लिए मिनी चीज केक, और इसको हम फ्रेश फ्रूट के साथ सर्व करेंगे। आजकल सीजन में बहुत अच्छा फ्रूट आया हुआ है, उसके साथ सर्व करेंगे। आप कोई भी सॉफ्ट फ्रूट जो है वो इसके साथ सर्व कर सकते हैं। वो हम आपको बाद में बताएंगे कि आपने कैसे करना है। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, डाइजेस्टिव बिस्किट हैं ये, जिनको कि हमने चूरा कर लिया है। ये हैं 150 ग्राम, और अगर आप कप में पूछें तो ये तकरीबन 1.5 कप है। 300 ग्राम जो है वो क्रीम चीज़ है। 180 ग्राम जो है ये सार क्रीम है। 1/4 टीस्पून ये वनीला पाउडर है। अगर ना हो तो आप वनीला जो है एसन भी यूज़ कर सकते हैं। 100 ग्राम जो है वो चीनी है। 2 अंडे हैं। 1 टेबलस्पून फ्लावर है, और उसके अलावा 60 ग्राम या 1/4 कप जो है वो बटर है, जिसको कि हमने मेल्ट कर लिया है। पहले हम अपने बिस्किट के चूरे में बटर मिक्स कर देंगे। इसमें मेल्टेड बटर डालना है। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमने ये मफिन टिन में पेपर कप्स रख लिए हैं, इनके अंदर हम 1-1 टेबलस्पून जो है वो डालकर उसको ऐसे हल्के हाथ से दबा देंगे। सब में डाल लेंगे पहले। इन सब में इसको, ये जो बिस्किट के क्रम्स हैं, इनको अच्छी तरह से दबा कर लगा देना है। ऐसे इसकी बेस में अच्छी तरह लगा देना है। ये इस तरह मैंने सारों में लगा दिया। अब इसको हम एक साइड रख देंगे। अब इसकी फिलिंग बनाएंगे। फिलिंग बनाने के लिए हम पहले इसमें क्रीम चीज डालेंगे। और इसमें चीनी डाल लेंगे। इन दोनों को मिक्स कर लेंगे। आप टेस्ट करके देख लेना, अगर आपको चीनी कम लगे तो थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। नमक, मिर्च और शुगर जो है ये अपने अपने टेस्ट बड्स के मुताबिक डाल लें। किसी चीज़ में नमक मिर्च डालना होता है, किसी में चीनी डालनी होती है, तो हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, उस हिसाब से डाल दिया करें। अच्छे से स्मूथ हो गए। तो अब हम इसमें 1-1 करके अंडे डाल देंगे। पहले ये अंडा डालेंगे, वो अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। फिर हम इसमें दूसरा अंडा डाल देंगे। मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ये वनीला पाउडर डाल देंगे। अगर ये आपके पास ना हो तो आप वनीला एसेंस भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें ये सार क्रीम डाल देंगे।
स्मूथ हो जाए अच्छी तरह, इसको ओवर बीट भी नहीं करना वरना इसमें क्रैक आ जाएगा जब ये बेकिंग के दौरान जब ये ओवन में होगा, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक बीटर से नहीं बीट करना। ये देखिए स्मूथ हो चुका है, अब हम इसमें ये फ्लावर डाल देंगे। ये एक टेबल स्पून फुल है, भरकर है फ्लावर, अगर ग्राम से भी पूछे तो 15 ग्राम है। इसकी साइड्स जो है वो अच्छे से साफ कर लेंगे इनको, ताकि कोई चीज जो है वो मिक्स होने से ना रह जाए। ये बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बन गया, अब हम इसको इसमें पोर करेंगे। आइसक्रीम स्कूप ले लें या वैसे चम्मच ले लें, चम्मच से भी डल जाएगा, मैं चम्मच से भी एक बता देती हूँ आपको डाल के। ये चम्मच से भी मैं डाल के बता देती हूँ आपको। सिर्फ इतना भरना है 3/4 तक। हम इसी से डाल लेते हैं स्पून। ये हमने सारा बैटर इसमें डाल दिया और अब हम इसको ओवन में डाल देंगे। निचला ओवन ऑन करना है सिर्फ और 160 पर इसको 20 मिनट बेक करना है। ये चीज केक हमारे बेक हो चुके हैं 20 मिनट के बाद, हमने इन्हें निकाल लिया था और इन्हें तकरीबन आधा घंटा हो गया बाहर भी, अभी ये फुली ठंडे नहीं हुए, इनको एक घंटा कम से कम मजीद ठंडे होना है। लेकिन हम आपको दिखा देते हैं कि आपने इनको कैसे सर्व करना है, कैसे इनको गार्निश करना है, फिर हम इसे फ्रिज में रख देंगे। बहुत ही प्यारे माशाल्लाह से तैयार हुए हमारे ये चीज केक, बच्चों को लगाए साथ और उनको बनाकर दे, बच्चे बहुत खुश होंगे देखकर। ये देखें कितने क्यूट लग रहे हैं, आप ये बनाए बच्चों को दें, खुद भी खाएं और बच्चों के साथ खुद भी एंजॉय करें, बच्चे बड़े शौक से इसको गार्निश करेंगे, तो आप उनके साथ बनाएं एंजॉय करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कैसे बने। हो सके तो आप हमें फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर इसकी तस्वीरें भी शेयर करें बनाकर कि भाई आपके कैसे बने, एंजॉय करें। हमारी रेसिपीज अगर आपको पसंद आती हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे हमारे चैनल इटालियन ढाबा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करें।